नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। मैं कराना सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजर भी हूँ और प्रिंसिपल भी हूँ। यह अपना स्कूल गांव फिरोजपुर कला पोस्ट ऑफिस फतेहपुर तगा के पास में है। शिक्षा के सदर को सबसे पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स का और टीचर का कम्बिनेशन होना चाहिए। अगर हम टीचर और पेरेंट्स का कम्बिनेशन नहीं होगा तो शिक्षा सदर को नहीं सुधारा जा सकता। क्यों हम बच्चे को पढ़ाते रहे, घर जाके बच्चा पढ़े नहीं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे कि बच्चे ने क्या होमवर्क किया है क्या नहीं किया है। उससे क्या है, फिर बहुत से देहात में पेरेंट्स क्या सोचते, स्कूल वाले ही पढ़ाए और घर जाके वो ध्यान नहीं देते पेरेंट्स। तो जब तक हम आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, जब तक शिक्षा के सदर को नहीं सुधारा जा सकता। इसमें समाज भी है, हम भी, खुद अपने आप भी है। अगर जब तक हम इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, भाई समाज में जो गिरावट आ रही है हम आप लोगों की वजह से आ रही है। और जो लोग छोटी छोटी बात या जो नैतिक मूल्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, वो भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, समाज की भी, हमारे भी, समाज में भी हम ही लोग हैं। जब तक हम सभी आपस में एक दूसरे की कड़ी नहीं बनेंगे, जब तक हम सब लोगों की वो है गिरावट है। जो मेरी अपनी सहमति है, यौन इसमें पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। जो मेरी अपनी सोच है, अगर जब हम बच्चों को इसके बारे में नहीं बताएंगे पढ़ाएंगे, जब तक कोई भी बच्चा इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि बच्चे को इसका ज्ञान नहीं होगा जब तक, तो बच्चा इसमें ना प्रेषित होता रहेगा कि भाई मुझे इस चीज़ का ज्ञान नहीं है बच्चे को भाई यौन से संबंधित, तो उसकी ना जो सोच है जब तक पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी ना कि पॉजिटिव रहे। ऐसा कुछ नहीं है, शहरों में जो बड़े बड़े स्कूल है उनकी देखो, अगर देहात में देखा जाए, देहात में हमें कॉम्बिनेशन भी करना पड़ता है पेरेंट के साथ, अब नहीं है कल है। हम तो इतनी नॉर्मल फीस लेते हैं बच्चों की, 500-700 रुपये क्या है, कोई ज़्यादा नहीं है। ये लोगों की सोच गलत है। जैसी फैसिलिटीज़ आप लेना चाहते हो, शहर में क्या है, बड़े बड़े स्कूल है, उनके खर्चे उसी हिसाब से है। भाई कोई एसी बसों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अब देहात में स्कूल है, उनमें बच्चों को क्या है, पेरेंट्स के पास ट्रांसपोर्ट के लिए फीस भी नहीं है। तो ये गलत है पेरेंट्स की सोच।